वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त ने जनपद में धान खरीद की स्थिति की समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजयंत पांडियन, एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह, संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कृषि उत्पादन आयुक्त ने जनपद में धान खरीद के प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। कृषि आयुक्त ने कहा कि किसानों की धान को शासन के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 1,888 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जाए और उनके धान के दामों को 72 घंटों के भीतर उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि धान की खरीद में कोई भी कोताही ना बरती जाए। कौन सी वैरायटी में ज्यादा असर पड़ता है सर? सब्जी पावर और नाटे मंसूरी ये दो भी नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा जो हैबिट हमारा एवरेज अच्छा है और हम लोगों ने छोटे किसान को प्राथमिकता दी है और कई काटे हम लोगों ने छोटे किसानों के लिए रिजर्व कर दिए रखा मंडी में से 5 लाख में रखा है तो छोटे किसानों को तौल ज्यादा हो रही है। उनको मिल जाता है कि हाँ 5 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आके आप तौल करा सकते हैं। और हम लोगों ने मंडी में जो क्रय केंद्र है ना उसको हम लोगों ने संडे को भी खोल दिया है विशेष परिस्थितियों के लिए। जो ज्यादा है धान पड़ा हुआ है और मिल्स को जो आपका प्रेशर होना है वो स्लो ना आपके यहाँ अच्छा है बल्कि हमारी मंडियां भर रही है और उसके बाद में खरीद को रोकेंगे तो ये थोड़ा सा इसको इस प्रवृत्ति को अगर हम शुरू में कंट्रोल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये जितना मिल्स को ज्यादा रहेगा उससे यह है कि अगर मौसम खराब हो गया और कोई बारिश वारिश आई है तो ये अगर धान भीग गया मैम ये हमारा जो जनपद केवी जी है इसमें पूरनपुर यहाँ मैम हमारे पास रेगुलर सचिव नहीं है। अगर मैम 3-4 महीने के लिए रेगुलर सचिव मिल जाए तब जिसको डिकंजेस्ट करने के लिए मैं तथा सैटरडे इवनिंग से शुरू करा देते हैं और राइस मिल्स को जाए क्योंकि ये साइकिल आपका कहीं भी रुका नहीं तो फिर हमारा पूरा ही खरीद प्रभावित हो जाएगी। इसमें मैं बताना चाहूंगा सर कि हमारे यहाँ पर पूरी रेडी है क्योंकि मार्केट में अभी भी कृषि के बराबर का रेट नहीं आ रहा है। हमारी जो मंडियां हैं